हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे फ्लैट पोजीशन में आप रॉड को कैसे जलाएंगे और आप 3G पोजीशन में रॉड को कैसे जलाएंगे। रॉड जलाने का तीन तीन चार तरीका हम आपको बताएंगे, ठीक है? तो वीडियो को आपको काट के या स्किप करके नहीं देखना है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले आपका दोस्त का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है केम अरिजीत और आप देख रहे हैं IBR बिग बॉस यूट्यूब चैनल। यहाँ पर फ्रेंड्स, ये वाला वीडियो बनाने के लिए मैंने जो रॉड का इस्तेमाल किया है, आपका 7018 का रॉड है और ये आपका 3.15 का रॉड हमने इस्तेमाल किए हैं। और इसके लिए हमने एक गो प्लेट लिया है और प्लेट में तीन जगह में भी बनाए हैं, ठीक है, वी टाइप का बनाए हैं। और तीनों पोजीशन में आपको फ्लैट पोजीशन में मार के दिखाएंगे, 3G पोजीशन में मार के दिखाएंगे कैसे मारा जा रहा है, ठीक है, करंट कितना रखा है, कैसे रॉड को लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको हम दिखाएंगे कि किस टाइप का मारा जाता है। तो सबसे पहले आपने अभी देखा कि यू टाइप का बनाते जाना है, वो वाला एक टाइप का आप मार सकते हैं और यहाँ पर आप गोल गोल जो होता है घुमा करके भी मार सकते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा वीडियो को काट के या स्किप करके नहीं देखना। वीडियो अगर थोड़ा सा भी दिल से पसंद है तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करिए, क्योंकि वीडियो हमारा लाइक परसेंटेज बहुत कम हो जाता है। हम इस वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हैं कम से कम 2000, ठीक है, तभी जाकर के वीडियो वायरल होगा। मैं चाहता हूँ इस वीडियो का वायरल करिए, जल्दी से जल्दी इस वीडियो का वायरल कर दें तो, और आपको भी थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा रॉड को कैसे जलाना है। तो फिर देखिए, कभी भी अगर आप 3G पोजीशन में इस टाइप के रॉड को जलाते हैं, रॉड को आपको डिग्री को एकदम प्रॉपरली रखना पड़ेगा और रॉड का डिग्री देखिए इस टाइप का आपको 90 डिग्री में रखना है, ठीक है। और रॉड को आपको बार बार जोर जोर से मारना नहीं है, रॉड को बस टान के जलाना। देख सकते हैं यहाँ पर हमने जैसे जला रहे हैं, रॉड को बस धीरे से ऊपर से टान करके आप हल्का हाथ से होल्डर को पकड़ना है। आपको हल्का हाथ से ही होल्डर को पकड़ना है, ज़्यादा भारी हाथ से आपको पकड़ना नहीं है। और ऊपर से जैसे हमने टान करके रॉड को जलाए वैसे आपको जलाना है, ठीक है। 7018 का जो रॉड होता है उसमें आपको जोर जोर से मारेंगे तो आपको बार बार चिपक जाएगा। तो रॉड का पोजीशन आप देख सकते हैं, इस टाइप का आपको रॉड को लगाना है। और आपको ये वाला जो एक नंबर, ये आपका पोजीशन है, ठीक है। तो इसको हमने देखिए अभी यहाँ पर पेन से भी आपको दिखा दे रहे हैं, ऐसे आपको यू टाइप का बनाते जाना है। यू टाइप का आप इस टाइप का भी मार सकते हैं। और करंट जो हमने रखा है 91, यहाँ पर देख सकते हैं आप 91 में करंट है, इसे थोड़ा सा कम बेसी आप ले सकते हैं। आप अगर चाहे तो 95 में भी ले सकते हैं या फिर उसे कम में भी मार सकते हैं, आपका जैसे मर्जी आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादा कम बेसी मत करिए तो अच्छा वेल्डिंग नहीं होगा। तो यहाँ पर फिर देख सकते हैं मैंने अभी आधा रॉड जला दिया है, ठीक है, 3G पोजीशन में। तो यहाँ पर अभी देखिए कितना अच्छा यहाँ पर फिनिशिंग आया है। तो आप भी इस टाइप का मार सकते हैं, ठीक है। आपको कोई आपको ज़्यादा आपको कोई मतलब जल्दीबाजी करना नहीं है, धीरे धीरे दोनों साइड में वेट करके मारते जाना है, ठीक है। तो आपके यू टाइप का बनाते हुए आपने अभी देखा मारते हुए कैसे हुआ, अभी आपको गोल गोल टाइप के इस टाइप का घुमा घुमा कर मारना है, गोल गोल टाइप के घुमा कर मारना है, ठीक है, ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते जाना है। तो अगर आप इस टाइप का अगर मारेंगे तो चलिए देखते हैं कैसे मारा जाएगा, ठीक है, और वेल्डिंग किस टाइप का आता है। तो आपको ये वाला थोड़ा सा ध्यान दे करके मारना है, ठीक है। देखिए वो रॉड को जलाया कैसे जलाया, थोड़ा सा ऊपर से ऐसे आपको टान के जलाना है, ठीक है। जलाते आपको गोल गोल घुमाते जाना है, गोल गोल घुमाते जाना है। यहाँ पर करंट जो है आपको 91 में करंट को हमने रखा है, ठीक है, 91 में करंट है और आपको गोल गोल घुमाते जाना है, इसे गोल गोल आप घुमाते जाएंगे। दोनों जो मैंने भी को बनाया है, मतलब ग्राइंडिंग से हमने थोड़ा सा भी टाइप का बना दिए थे, उसी के अंदर में उसके बाहर नहीं जाना है। तो वैसे गोल गोल घुमाते जाना है, करंट को आप 90, 91, 95 इतना में रखिए और रॉड का डिग्री मैंने जैसे देखा है वैसे आप मारिए, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा देख सकते हैं कितना थोड़ा सा बैंड मतलब टेढ़ा टाइप का हो गया, लेकिन यहाँ पर हमने जो लाइनिंग अच्छा से नहीं हुआ था, लेकिन वेल्डिंग बहुत अच्छा फिनिशिंग आया। वेल्डिंग इस टाइप का होना चाहिए, ठीक है, अंडरकट भी नहीं है। अभी आपको यहाँ पर हम थोड़ा सा ये वाला है एंगल को मतलब जॉइंट हुआ है, थोड़ा सा अप एंड डाउन है, तो ये वाला पोजिशन में आपको कैसे मरेंगे। तो देखिए रॉड को थोड़ा सा टेपर रखना है, ये वाला ऊपर वाला जो पीस है थोड़ा सा हाइट है और ये डाउन है, ठीक है। तो जैसे आपका इस टाइप का देखिए कैसे मारा जाएगा, तो आपको रॉड का डिग्री को जो है 90 में आपको रखना है, इस चीज़ को ध्यान देना है। जैसे रॉड का डिग्री देखिए यहाँ पर सीधा नहीं रहेगा, अब सीधा मार के आपको दिखाएंगे, बगल में जो दिख रहा है ना खाली जगह है इसमें आपको मार के दिखाएंगे, लेकिन ये वाला थोड़ा सा रॉड का डिग्री आपका टेपर रहेगा, पूरा सीधा नहीं रहेगा, नहीं तो वेल्डिंग सही नहीं होगा। यहाँ पर आप पेन से देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर दिखाया जा रहा है, तो वैसे आपको भी मारना है, ठीक है। आप इस वीडियो को अगर पूरा देखते हैं तो आपका वेल्डिंग आर्क वेल्डिंग एकदम आप पूरा हम गारंटी देते हैं मारना सीख जाएंगे। आप पहले दिन में ही आर्क वेल्डिंग मारना सीख जाएंगे। रॉड को जैसे जैसे खत्म होगा धीरे धीरे आपको चापते जाना है, होल्डर को रॉड खत्म हो जाएगा आपको धीरे धीरे होल्डर को नीचे करते जाना है, ठीक है। और मेटेरियल से जो है और 2 mm दूरी में आपको उठा कर रखना है, इस चीज़ को ध्यान देना है। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना अच्छा यहाँ पर वेल्डिंग हुआ है। तो अभी ये वाला वेल्डिंग भी आपको इस टाइप का करना है, ठीक है। तो ये अभी जो देखिए ये जो पोजीशन है ये अभी फ्लैट पोजीशन में वेल्डिंग होगा। अभी यहाँ पर मैंने 3.15 का वेल्डिंग रॉड लगा दिया है,
तो ये वाला आपको बिल्कुल आपको सीधा नहीं करना है, ऐसे करेंगे तो आपका उतना अच्छा फिनिशिंग नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल इसी टाइप का सीधा नहीं करना, सीधा होगा तो सिलैक थोड़ा सा आगे चला आएगा और थोड़ा सा सिलैक चापने का भी डर रहता है, इसीलिए थोड़ा सा डिग्री को आपको कर देना है। देखिए अभी इस टाइप का डिग्री करिए, दोनों साइड में आपको रोकते हुए आना है, ठीक है। आप चाहे तो फास्ट फास्ट जल्दी जल्दी भी मार सकते हैं, आप चाहे तो थोड़ा सा स्लो भी मार सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक चांस में रॉड आपको भी जलना चाहिए, बार बार आप जलाएंगे जोर जोर से मारेंगे तो आपको रॉड चिपक जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, देखिए ऐसे आपको मारते जाना, दोनों साइड में धीरे धीरे आपको रोकना है। और करंट मैंने थोड़ा सा अभी ज़्यादा रखा है क्योंकि अभी फ्लैट पोजीशन में मारा, करंट हमने रखा अभी 105 में, ठीक है। पहले हमने 90-95 में मार रहा था, लेकिन हमने 5-10 पॉइंट करंट को बढ़ा लिया है। तो देखिए इस टाइप का दोनों साइड में हम मारेंगे तो ये अपने से सिलैक जो है ना उठते हुए जाएगा, अपने से सिलैक उठ जाएगा, इसका मतलब बहुत अच्छा आपने वेल्डिंग मारा है। जिस दिन आपका इस टाइप का सिलैक उठ जाएगा, अपने से सिलैक छोड़ देगा 7018 का, उस दिन आपको समझ लीजिए आपने बहुत अच्छा वेल्डिंग मारना सीख गया, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हैं बहुत अच्छा वेल्डिंग हो गया, अपने से स्लैक उठ गया है, ठीक है। तो ये एक लाइक है यार, हम उम्मीद करते हैं कि आप एक लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि आपका दोस्त को आपको सपोर्ट करना ही नहीं, तो ये वीडियो कभी भी आगे नहीं जाएगा, और भी आपका दोस्त को भी शेयर करें ताकि उसको भी थोड़ा सा सीखने का मौका मिले, ठीक है। तो तब तक ले टेक केयर, गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक जरूर करिए।